हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो आपका क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 10 मिस्टर नोबडी। नोबडी मतलब बेटा होता है कोई भी नहीं। नोबडी मीन्स कोई भी नहीं। ये आपका पोयम बेटा, मिस्टर नोबडी आपका पोयम है। और इसमें जो है आपका सबसे पहले कंपाइल सब्जेक्ट का दिया आपका टी का आंसर, ठीक है। इस पोएम के अनुसार जो है आप इसको सही उत्तर पे जो है सही निशान लगाएंगे। और इसके पहले आपका चैप्टर नंबर 9 था, उसको तीन वीडियो मैंने कम्प्लीट कर दिया था, ठीक है। और इससे पहला देखेंगे हम दिया है पेज नंबर 47 पे टेक द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आपका टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट आपको द फनी मैन मिंसन in the poem is the funny man mentioned in the poem is, यहाँ पर देखेंगे I know, poem दिया था I know a funny little man, मैं एक funny little man यानी कि मजाकिया, ठीक है। funny means मजाकिया होता है आपका, लिटिल मीन्स छोटा आदमी। मैं ऐसे छोटे व्यक्ति को आदमी को जानता हूँ। आई क्वाइट एज क्वाइट एज माउस, वो जो है क्या था आपका बिल्कुल एकदम चूहे के जैसा शांत या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल चूहे के समान जो है एक चूहे के समान छोटा होता है, शांत होता है एकदम। उसके बाद हु डज द मिस्चीफ दैट इज डन इन एवरीबॉडीज हाउस, ठीक है। वह जो है क्या करता है, गलतियाँ करता है। Who does the mischief? Mischief is गलतियाँ। वह जो है गलतियाँ करता है, that is done, ठीक है। In everybody house, यानी कि प्रत्येक हर कोई के, हर किसी के घर में सारी गलतियाँ जो है वही करता है। जो भी गलती होती है वो करता है, वही छोटा funny man, funny little man, ठीक है। In the everybody house, ठीक बेटा। तो याद रखने तो दिया है कि जो द फनी लिटिल मैन है उसको पोयम में कविता में किस तरह से जो है मेंशन किया गया है, कि क्या उसको नाम दिया गया है, ठीक है। याद रख सकेंगे, ऑप्शन ए दिया है एंड ओल्ड मैन, एंड ओल्ड मैन ऑप्शन बी है आपका ए टीनी मैन, एंड ऑप्शन सी है ऑप्शन सी दिया बेटा आपका ए लिटिल मैन। ए लिटिल मैन आपका बॉक्स बना हुआ आगे, ठीक बेटा। तो यहाँ पे पढ़ा कि आई नो अ फनी लिटिल मैन, मैं एक ऐसे मजाकिया छोटे आदमी को जानता हूँ, ठीक है। जो कि प्रत्येक घरों में, सबके घरों में जो है वही सारी गलतियां जो है करता है, ठीक है बेटा। तो इसमें जो है फनी लिटिल, जो फनी मैन है उसको मेंशन किया गया है इन द पोयम। इस पोयम में जो है इसके कैसे मेंशन किया गया है, तो एक लिटिल मैन के द्वारा, ठीक है। एक फनी लिटिल मैन, ओल्ड मैन नहीं है आपका, दिया है फनी लिटिल मैन। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, ठीक है। द फनी मैन मेंशन इन द पोयम इन अ लिटिल मैन,
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड है, द फनी लिटिल मैन इज एज क्वाइट एज, द फनी लिटिल या फिर डबल एज वाई, द फनी लिटिल मैन इज एज Quite as Q U I E T, द फनी लिटिल मैन इज एज क्वाइट एज, क्रिया का कीवर्ड जो है किस तरह से जो है वो बिल्कुल छोटा है, वो छोटा मजाकिया छोटा आदमी जो था वह किस तरह जो है आपका छोटा है, आपका थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जो छोटा होता है जो उसके लिए आपका क्वाइट एज आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बुक में एज क्वाइट एज ए माउस क्या दिया है, एक छोटे एक चूहे के समान, एक माउस के समान चूहे के समान को छोटा है। ठीक है, द फनी लिटिल मैन इज एज क्वाइट एज ऑप्शन ए डम बॉय, ऑप्शन बी ए माउस, एंड ऑप्शन सी दिया गया आपका ए काउ, ए काउ। ठीक बच्चों, याद रखा कि फनी लिटिल मैन इज एज क्वाइट एज, तो आपने पढ़ा कि एज एज क्वाइट एज ए माउस, तो ऑप्शन बी आपका क्या है ए माउस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ए डम्ब हुआ एक बुआ लड़का, एक चूहा एंड एक काउ एक गाय। ठीक है, याद क्या होगा ऑप्शन बी ए माउस इज द करेक्ट आंसर, ए माउस बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड बेटा आपका, द पोयम टीचेस अस टू बी, ठीक है, द पोयम टीचेस अस टू बी दिया आपका, द पोयम टीचेस The poem teaches us to be, ये दिया है। जो poem है वो हमें क्या करने के लिए सिखाता है, poem जो है हमें कविता हमें क्या बनना जो है हमें सिखाता है, पहला दिया आपका केयरलेस, ठीक है, और अनट्रूथफुल और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। है तो कोई कुछ नहीं करता है, ठीक है, पता नहीं कौन करता है उसको बोल करके लोग निकल जाते हैं। जैसे घर में कोई भी चीज जो है, जैसे कोई कहते हैं देयर इज नो वन कीवर सीज हिज फेस, किसी ने जो है उसका चेहरा जो मिस्टर नोबडी है उसका किसी ने चेहरा नहीं देखा है, एंड ए टू बी आर के बी, लेकिन फिर भी वो अभी क्या है उससे सहमत होते हैं। अब जो है क्या समझते हैं कि कोई भी काम जो कोई भी गलती होता है घर में वह उसी के द्वारा होता है। दैट एवरी प्लेट वाज ब्रेक वाज ब्रेक, ठीक है, जो सभी प्लेट को जो है एवरी प्लेट हर प्लेट वी ब्रेक वाज क्रैक को जो है तोड़ा है उसने मिस्टर बाय मिस्टर नोबडी, जो भी उसमें प्लेट ब्रेक होता है या तोड़ा जाता है वो किसके द्वारा होता है आपका मिस्टर नोबडी के द्वारा। ठीक है, दिस ही हु
ऑलवेज टीयर योर अवर बुक्स, यह वही है जो हमारे क्या करता है, बुक्स को, किताबों को फाड़ता है, ठीक है। हु लीव द डोर अजार, वह जो है क्या करता है, दरवाजे को खुला छोड़ देता है, अधखुला छोड़ देना, डोर अजार अधखुला छोड़ देना, ठीक है। ही पुल्स द बटन फ्रॉम अवर शर्ट, वह जो है क्या करता है, हमारे शर्ट से बटन को भी तोड़ देता है। ही स्कैटर्स, ही स्कैटर्स पिंस द फॉर दैट स्क्रैचिंग डोर वी ऑलवेज पे फॉर प्रीदी डोंट यू सी, ठीक है, भगवान के लिए तुम लोग से नहीं देखा। वी लीव द ऑर्डिंग टू बी डन, वह हमारे लिए जो है उसके लिए भी ऑर्डिंग डन, में जो दरवाजा आप खोलते हैं तो आपको उसमें से कुछ आवाज़ें आती हैं, स्क्रैचिंग यानी चू चू करके आवाज आता है, तो वही उसमें जो है ऑर्डिंग करना भी उसी के सहारे लोग छोड़ देते हैं मिस्टर नोबडी के द्वारा, कि जो है यह भी काम हुआ स्वयं करें। क्या कोई काम करते हैं घर में, आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपसे पूछा जाता है कि किसने किया बताया, तो आप कहते हैं हम नहीं जानते, पता नहीं कौन, ठीक है, दरवाजा खोल कर चले गए, तो वह भी छोड़ देते हैं कि हम नहीं जानते, पता नहीं कौन खोल करके दरवाजा हाथ खुला करके चला गया। तो वह सारी चीज़ें जो गलतियाँ होती है बेटा कौन करता है, मिस्टर नोबडी, मिस्टर नोबडी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं कि पता नहीं किसने कर दिया, ये सारा गलती जो है मिस्टर नोबडी ने किया है, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द पोयम टीचर्स अस टू बी रिस्पॉन्सिबल, ये जो पोयम है जो कविता है जो हमें क्या सिखाता है, क्या बनने के लिए सिखाता है, तो यह जो है हमें रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए यह कविता हमें सिखाता है कि जिम्मेदार बनिए, कोई भी काम है वो आप स्वयं करिए। दूसरे पर मतलब क्या थी, वह ऑयलिंग वो करेगा, ठीक है, या फिर ये दरवाजा जो है वो बंद करेगा, ठीक है, क्योंकि वो बंद करेगा, हमने किए पता जिसने खोला है, तो इसके लिए जो है आपको रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए आपको आपको सिखाता है। तो आप सर आपका एक्सपीरियंस ऑप्शन बी अनट्रूथफुल, अनट्रूथफुल एंड ऑप्शन बी आपका रिस्पॉन्सिबल आर ई पी ओ एन एस आई डी एल आर ई एस पी ओ एन एस आई डी एल रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, ठीक है, पोयम जो है हमें रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाता है, ठीक बेटा। और इसके बाद आपका दिया है नेक्स्ट आपका है सी मेक न्यू वर्ड्स बाय मैचिंग द वर्ड्स, दिया है मेक न्यू वर्ड बाय मैचिंग मेक न्यू वर्ड बाय मैचिंग द वर्ड बाय मैचिंग द वर्ड मैचिंग द वर्ड या बेटा आपको कुछ नए शब्द बनाने हैं, ठीक है, मेक न्यू वर्ड, आपको न्यू वर्ड बनाने हैं बाय मैचिंग द वर्ड, बाय किसके द्वारा, वर्ड जो आपको दिए गए उसको मिला करके उसको मैच करा करके आपको न्यू वर्ड बनाने हैं। इस वर्ड को 3.5 किया है के पहला का डोर, डोर सेकेंड आपका ब्रेक, ब्रेक थर्ड आपका बेल, फोर्थ आपका है पास,
एंड फुट है आपका एफ डबल ओ, ठीक है। यहाँ पे फुट दिया है ठीक बेटा, और इधर आपका दिया है बी ए डबल एल। नेक्स्ट आपका वे, ये वर्ड दिए गए हैं आपको, और इनसे जो है मैच करके इन वर्ड्स को मैच करा करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। दिए गए हैं और इसमें बेटा के ऊपर आपका डी डबल ओ आर दिया है, ठीक है। डी डबल ओ आर डोर मीन दरवाजा, डी डबल ओ आर डोर मीन दरवाजा। तो इसको जो है हम बेस से घंटी से मैच कराएंगे, ठीक है। डोर को हम बेस से मैच कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डोर बेस क्या होगा आपका डी डबल ओ मीन दरवाजे की घंटी जो होती है, ठीक है। जो दरवाजे के बाहर बेल लगी होती है, घंटी लगी होती है, उसे हम बोलते हैं डोर बेल, ठीक है। तो इसको जो है डोर को हम बेल को एक तरह से आपके निकट में हो जाएगा डोर बेल, ठीक है, डोर बेल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ब्रेक, ब्रेक क्या था, ब्रेक को हम इस समय चाहेंगे हाथ से मैच कराएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा ब्रेक फास्ट, ठीक है। ब्रेक को यदि हम हाथ से मैच करा देंगे तो मैच करा देंगे फास्ट से, तो आपका हो जाएगा ब्रेक फास्ट बी आर बी आर बी ए के एफ एस के फास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बेड, बी डी बेड जिसका, ठीक है। बेड को जो है बेड को हम रूम से इसे करेंगे रूम से, तो आपका हो जाएगा बेडरूम, सोने का कमरा जो होता है सोने का कमरा सेंगल बेडरूम। तो आपका क्या हो जाएगा बेड को हम रूम से मैच करेंगे, तो आपका हो जाएगा बेडरूम बेडरूम। नेक्स्ट आपका पार्ट, पार्ट को जो है हम वे, पार्ट को जो है वे सिलेक्ट करेंगे पार्ट पे, ठीक है। टी ए टी एच पार्ट में हो जाएगा आपका टी ए टी एच डब्ल्यू ए वाई पार्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मार्ग, पार्ट में चलने का मार्ग हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट है आपका फुट, ठीक है। लास्ट पे होगा आपका फुट, तो फुट को हम जो है किसी में कराएंगे आपका बाल, लास्ट होता है बाल होता है, तो जगह फुट फॉर्म, फुट को जो है हम बाल को, ठीक है। फुट को हम जो है बाल से कराएंगे तो आपका हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक बच्चों। इस तरह जो है आपको जो वर्ड मिले हैं मेन न्यू वर्ड, आपको न्यू वर्ड बनाने हैं तो पेंडल जो बना हुआ है सर न्यू वर्ड्स है, और बाई मैचिंग दो वर्ड बाई इन दोनों के द्वारा जो इन दोनों को मैच करा करके मैचिंग करा करके आपको नए वर्ड बनाने हैं। आगे सर बेटा इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक बच्चो। आइए आप क्वेश्चन लेते हैं होमवर्क के रूप में करने के लिए।
या कोटा जो है इसमें चैप्टर नंबर 9 से जो है काफी कुछ क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन आपको कराया गया था, थ्री क्वेश्चन आपको कराया गया था, यही थ्री क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर नंबर 9 द मुंबई म्यूजियम में आपका थ्री क्वेश्चन हो गया था, थ्री क्वेश्चन का आपका रह गया था, तो जो है आज को लिखेंगे होमवर्क रूप में करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला का है व्हाई डिड द फार्मर टेन गोकू टू सी द वर्ल्ड, टू सी द वर्ल्ड व्हाई द फार्मर टेन गोकू सी द वर्ल्ड, सी द वर्ल्ड किसान जो है गोकू को संसार देखने के लिए, वर्ल्ड संसार देखने के लिए क्यों कहा, ठीक है। जो गोकू था जो किसान के यहाँ काम करता था उसको जो है गोकू को उस गधे को जो है गोकू जो डंकी था तो उसको जो है फार्मर ने संसार देखने के लिए क्यों कहा, क्या तुमने क्या लिखे रखा है, व्हाई डिड गोकू डोकू एंड फरी वांट टू गो टू मुंबई, वांट टू गो टू मुंबई, वांट टू गो टू मुंबई, व्हाई डू गोकू डोकू एंड फरी वांट टू गो टू मुंबई, गोकू डोकू और फरी, ठीक है। गोकू यानी डंकी था, डोकू डॉग और फरी जो था बिल्ली थी, ठीक है। ये जो है मुंबई क्यों जाना चाहते थे, ठीक है, क्यों जाना चाहते थे, ठीक बेटा। गोकू डोकू और फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे, ये आपका क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है व्हाई डिड द पीपल व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे, इन द हाउस व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे, रन अवे पीपल इन द हाउस, यानी मकान में जो लोग थे वे क्यों भाग गए, मकान में जो लोग थे वे क्यों भाग गए, ठीक है। तो ये बेटा जो है थ्री क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे तो उसको जो है आपका क्वेश्चन होमवर्क में आपको मिल करेंगे, ठीक बेटा। और नेक्स्ट वीकिंग जो है आपको इसके आगे आपका टेंथ में आपका जो चल रहा था और डी आपका दिया एड नो सम एवरी एवरी एंड एनी टू द वर्ड बॉडी टू मेक न्यू वर्ड, आपको जो है ये कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।